नगरीय अधिवासों की उत्पत्ति को प्रभावित करने वाले कारक। पहला, जलवायु। अनुकूल और स्वास्थ्यवर्धक जलवायु में लोग निवास करना पसंद करते हैं। शीत प्रधान जलवायु की तुलना में उपोष्ण एवं शीतोष्ण प्रदेश अधिक जनसंख्या वाले प्रदेश हैं। टोक्यो, न्यूयॉर्क, संघाई, लॉस एंजिल्स, बीजिंग आदि ऐसे ही नगर हैं। दूसरा, धरातलीय स्वरूप। समतल तथा उपजाऊ धरातलीय भागों में अधिवासों का विकास अधिक होता है, क्योंकि ऐसे क्षेत्रों में आवासों, उद्योग धंधों, कारखानों, सड़कों आदि के लिए समतल भूमि की आवश्यकता होती है। तीसरा, खनिज एवं शक्ति संसाधन। खनिजों के मिलने के स्थान पर धीरे धीरे नगरों का विकास होने लगता है। जब खनिज समाप्त हो जाते हैं तब नगर भी उजड़ने लगते हैं, जिन्हें प्रेत नगर कहा जाता है। यही स्थिति किसी कल कारखाने वाले नगर की भी होती है। चौथा, जलापूर्ति के स्रोत। प्राचीन समय में नगरों का विकास जलापूर्ति स्रोतों के समीप हुआ करता था। औद्योगिक कार्य, परिवहन तथा यातायात के जरूरतों की पूर्ति इनसे होती है। लंदन, टेम्स नदी, न्यूयॉर्क, हडसन, शिकागो, मिशिगन, मॉस्को, मस्कवा, दिल्ली, यमुना, इलाहाबाद, हावड़ा, कानपुर, गंगा नदी के किनारे बसे हैं। पांचवा, परिवहन एवं यातायात। आवागमन एवं परिवहन के स्रोत का नगरों से व्यावसायिक संबंध है, जैसा मानव शरीर में रक्त कोशिकाओं का होता है। जहां दो या दो से अधिक मार्ग मिलते हैं वहां नगरीय अधिवास बनने लगता है। नगर के विकास में परिवहन व यातायात का मुख्य योगदान रहता है। छठवा, औद्योगीकरण। उद्योगों का विकास क्रमिक गति से होता है। जो उद्योग प्रधान हो जाता है वह नगर क्रमशः महानगर का स्वरूप ले लेता है। ग्रेट ब्रिटेन में बर्मिंघम, लिवरपूल, भारत में टाटा नगर, राउरकेला, भिलाई इसी प्रकार के नगर हैं। सातवां, पूंजी तथा प्रौद्योगिकी। नगरों के विकास में पूंजी मुख्य है। इमारतों, सड़कों, जलापूर्ति, प्रकाश आदि की व्यवस्था में पूंजी की आवश्यकता होती है। इसी प्रकार कुशल मजदूर, इंजीनियरिंग व प्रौद्योगिकीय क्षमता के द्वारा संसाधनों का दोहन होता है। आठवां, व्यापार व वाणिज्य। परिवहन व यातायात की सुविधा के आधार पर वाणिज्य का सूत्रपात होता है, जिसके आधार पर व्यापारिक नगर विकसित होता है। जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क व रेल मार्ग के निकट मैदान, पर्वत, वनों व मैदानों के मिलन स्तर पर मार्गों के मिलन बिंदुओं पर। पहला, ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क व रेल मार्ग के निकट। दूसरा, मैदान, पर्वत, वनों व मैदानों के मिलन स्थल पर। तीसरा, मार्गों के मिलन बिंदुओं पर।